हेलो गाइस, मैं हूँ राजा जाफरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राजा जाफरी आरजे, जहाँ पर हम सीखते हैं एडवांस प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग। गाइस, हमेशा की तरह आज भी हम एक और न्यू हेयर स्टाइल सीखेंगे। आज हम सीखेंगे इंटरनेशनल स्कल्पटिंग ब्रेड, जिस हेयर स्टाइल के लिए हम बालों को आयन करेंगे। आयन करने के बाद ये हमने प्रोफाइल पार्टिंग किया है और उसके बाद ये रेडियल पार्टिंग किया है हमने, जिसको हम ईयर टू ईयर पार्टिंग भी बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं रेडियल पार्टिंग। सेम उधर भी वैसे ही करेंगे। बोथ द साइड शुड बी सेम, एक बराबर क्वांटिटी के साथ, एक जैसी पार्टिंग के साथ दोनों तरफ डिवाइड करेंगे बालों को। और ये जो बैक वाला पोर्शन है उसको हम एक ट्रायंगल सेक्शन के साथ थोड़ा सा पार्ट छोड़ेंगे। आप देख रहे हैं किस तरीके से हम उसको निकालेंगे। एक ट्रायंगुलर सेक्शन रहेगा जिसका पॉइंट ऊपर की तरफ रहेगा। ये गाइस, जो हम पोनी बनाएंगे उसको थोड़ा बेस देने के लिए बैक कॉम करेंगे और थोड़ा वॉल्यूम के लिए ये हमने छोड़ा है, इसको भी बैक कॉम करेंगे हम। और ये हमने अभी पोनी बनाया है। और ये आप देख सकते हैं और ये जो हम रबर बैंड के साथ पोनी बनाते हैं, दो रबर बैंड को जॉइन करने के बाद, आप में से किसी ने पूछा था कि इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लूप बोलते हैं। दो रबर बैंड को एक साथ जॉइन करने के बाद दोनों सिरों के ऊपर पिन लगाएंगे और उसको हम पिन्स के साथ पोनी बनाते हैं, उसको हम लूप बोलते हैं। ये हम बैक कॉम कर रहे हैं थोड़ा वॉल्यूम देने के लिए, पोनी को थोड़ा बेस मिल जाएगा नीचे की तरफ। वो बहुत ज़्यादा फ्लैट ना दिखे इसलिए बैक कॉम के बाद थोड़ा स्प्रे भी करेंगे और जो नीवन हेयर उनको थोड़ा सा सेटल डाउन करेंगे। और इस पोनी को भी हम रूट में बॉटम एरिया पे बस बैक कॉम करना है, बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं, सो दैट वो खुले नहीं, जो शेप आप देना चाह रहे हो वो बराबर रहे। फोर टू फाइव सेक्शंस के साथ हम इस पूरी पोनी को बैक कॉम के साथ फिनिश करेंगे। गाइज, एक बार फिर चैनल में सभी को वेलकम करता हूँ और उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर किया। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसे ही एडवांस स्टाइलिंग सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये पोनी कंप्लीट हो गई है। अभी हम आगे की तरफ, जो हमने रेडियल पार्टिंग किया था ये प्रोफाइल पार्टिंग के साथ, से दोनों तरफ से एक छोटा छोटा सा बॉक्स लेंगे जिसको मिलाकर हम एक बॉक्स बनाएंगे। जितना सेक्शन इधर से लिया है उतना ही उधर से भी दूसरी साइड से भी लेंगे। ये एक बॉक्स रहेगा हमारा और उसमें से भी एक फाइन सेक्शन लेंगे जिससे हम थोड़ी डीप लाइंस क्रिएट करेंगे, थोड़ी लार्ज साइज में रहेंगी। शेप अप करेंगे पहले फिंगर से, उसके बाद स्प्रे यूज करेंगे, फिनिशिंग देंगे स्प्रे करने के बाद और जूड़ा पिन से उसको रोक देंगे। यही सेम टेक्निक रहेगी पूरे बॉक्स से
फाइन फाइन सेक्शन लेते रहेंगे और लाइंस क्रिएट करते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ये पूरा बॉक्स कंप्लीट करने वाले हैं हम। और जो इसके एंड्स होंगे वो भी पोनी के ऊपर ही जाएंगे। और जब ये सब लाइंस हम बना लेंगे, इनके सारे एंड्स को एक साथ लेकर जुड़ा पिन के साथ टक कर देंगे। और जो उसके एंड्स होंगे सारे बालों के, वो सारे पोनी के ऊपर रहेंगे। वही सेम टेक्निक रिपीट करना है आपको, फिनिशिंग के साथ बनाएंगे। जितना फिनिशिंग से बनाएंगे, एक सिंपल चीज़ भी एनहेंस्ड हो जाती है, ज़्यादा खूबसूरत दिखती है अगर आप फिनिशिंग के साथ बनाते हैं तो। ये कंप्लीट है हमारा, जो बॉक्स हमने लिया था उसको बना चुके हैं हम। अब ये साइड वाले जो हेयर है हमारे, उनमें भी हम लाइंस क्रिएट करेंगे, मगर उतनी ज़्यादा डीप नहीं जैसा कि हमने अभी बनाया। इसमें जस्ट लाइंस क्रिएट करने हैं हमें। पहले जुड़ा पिंस रखेंगे, उसके बाद स्प्रे करने के बाद उनको डिफाइन करेंगे फिंगर टिप के साथ। गैप का ध्यान रखेंगे, एक बराबर हर एक पिन के बीच में एक इक्वल गैप होना चाहिए। और ये स्प्रे करने के बाद आप फिंगर से उसको क्लियर कर सकते हैं लाइन को। ये सेक्शन जो हमने राइट साइड में रखा है ले जाकर, वो भी पोनी के साइड में ही रहने वाले हैं। और अपोजिट साइड भी हम वैसे ही कर चुके हैं, ये वही लाइंस जाएंगे इधर भी, दूसरी साइड भी। और ये लेफ्ट साइड वाला जो सेक्शन है उसके जो एंड्स हैं उनको हम एक बॉब पिन के साथ इधर साइड में टक करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। अच्छे से टक कर देंगे उसको, और थोड़ा स्प्रे भी कर सकते हैं सो दैट वो हिले नहीं। और यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ पर भी हम लाइंस क्रिएट करेंगे। स्टार्ट लाइंस के साथ करते हैं, इनको आप लीफ भी बोल, क्योंकि ये राउंड में हाफ लीफ जैसे लगती है। सबसे पहले हम तीन बनाएंगे जो स्टार्ट देती हैं, उसके बाद दोनों साइड से एक एक लीफ बनाते जाएंगे। सॉफ्ट फिंगर टिप के साथ ये पुल करना है आपको बाहर की तरफ, और स्प्रे करने के बाद कॉम के टेल के साथ, फिंगर टिप के साथ, फिंगर के बैक साइड के साथ फिनिशिंग दे सकते हैं आप। उम्मीद करता हूँ अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा।
माफ़ी चाहूँगा गाइस, मैंने ये जो वीडियो पहले अपलोड की थी मगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे। वो एडिटिंग तो ठीक हुई थी मगर जब अपलोड किया तो उसमें कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था। उसी रीज़न से मुझे ये दोबारा से एडिटिंग करना पड़ा और अपलोड भी दोबारा करना पड़ा गाइस। अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये बाहर की तरफ पुल करने के बाद दोनों तरफ स्प्रे करेंगे आप और फिनिशिंग। अभी जस्ट जुड़ा पिंक के साथ टेम्परेरी बेस्ट रोकेंगे हम उसको। दूसरी साइड का भी जब बना लेंगे उसके बाद छोटे स्टील डक क्लिप्स जो आते हैं उनके साथ हम उसको क्लिप कर सकते हैं। थोड़ा सा उसको सेट भी हो जाने देंगे, थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो शेप अप हो जाएगा और आप उसको फिर इजीली प्लेस कर सकते हैं जहां पर भी आप चाहते हैं। जहाँ पर भी थोड़ा बहुत भी अनइवन लगता है आप थोड़ा उस पर स्प्रे करने के बाद उसको फिनिशिंग दे सकते हैं। बिल्कुल साइड से सेक्शन लेने हैं हमको और वही सेम टेक्निक रहेगी, सॉफ्ट हैंड के साथ ही सारा वर्क करना है हमें। ऐसी ही एडवांस स्टाइलिंग के लिए आप हमारी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपके फ़ोन स्क्रीन पर है। फाइन फाइन सेक्शन, बहुत ज्यादा थिक सेक्शन नहीं लेने हैं उसमें। और जो भी शॉर्ट हेयर्स होते हैं बाहर की तरफ उनको भी एक बराबर शेप अप करना है, इवन बनाना है, एक बराबर इवन आउटलाइन होना चाहिए बाहर की तरफ का जो सरफेस है लीफ का। साइजेस एक जैसे होने चाहिए दोनों साइड के लीफ के, ऐसा नहीं एक तरफ छोटा और एक तरफ बड़ा हो जाए। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप। जितने भी पुलिंग टेक्निक्स हेयर स्टाइलिंग्स हैं गाइस उन सब में हम बालों को स्मूथ रखेंगे सो दैट वो स्प्रेड करने में इजीली बाहर की तरफ पुल हो जाए, जितना फैलाना चाहते हैं इजीली फैल जाए और एक इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए जितना आप करना चाहते हैं बालों को। इसीलिए आयरन होने चाहिए बाल और थोड़ा हेयर सीरम वगैरह लगा के आप आयरन करेंगे तो ज़्यादा स्मूथ रहेगा। और अगर आपके फाइन हेयर हैं तो आप थोड़ा क्रिम्पिंग कर सकते हैं डेंस देने के लिए बालों को।
ये स्टाइलिंग आपको कैसी लगी गाइस, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये स्टाइल अच्छी लगे तो दूसरे लोगों तक भी ज़रूर शेयर करें। और ये ऑलमोस्ट डन है हमारा हेयर स्टाइल। अभी इसमें हम साइड में एक थोड़ा बड़े साइज़ की एक्सेसरी लगा रहे हैं, और ब्रेड के बीच में हम बीड्स लगा सकते हैं जो जुड़पिन के साथ अटैच्ड होते हैं। और ये स्टाइल कंप्लीट है हमारा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हम फिर हाजिर होंगे एक और नए स्टाइल के साथ गाइस। तब तक अपना यूं ही ख्याल रखिए और प्रैक्टिस कीजिए, दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए, और अपना यूं ही ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।